स्वामी के फैसले पर सांसद बेटी का बड़ा बयान। सांसद संघमित्रा मौर्य ने पिता के फैसले पर तोड़ी चुप्पी। अपने सियासी सफर को लेकर कह दी बड़ी बात। संघमित्रा मौर्य के बयान से सियासी सनसनी। देखिए सांसद संघमित्रा मौर्य ने क्या कहा। स्वामी प्रसाद का फैसला सही या गलत, देखिए इस पर क्या कहा। बीजेपी से सपा में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं और खासकर सवाल उनकी सांसद बेटी के भविष्य को लेकर किया जा रहा है कि अब सांसद संघमित्रा मौर्य क्या बीजेपी के साथ रहेंगी या फिर बीजेपी से वो भी अलग हो जाएंगी। इन तमाम सवालों की ऊहापोह के बीच बधाइयों से सांसद संघमित्रा मौर्य ने खुद ही चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ने के साथ ही तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। जहां पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के दल बदल पर उन्होंने अपनी राय दी, तो वहीं ये भी बताया कि उनका अपना सियासी भविष्य क्या होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य ने पिता के दल बदल के सवाल के जवाब पर कहा कि स्वामी प्रसाद जी हमेशा पिछड़ों के नेता रहे हैं और ये भारी जन समर्थन उसका गवाह है। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने आगे कहा कि पिताजी का फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि अभी मैं 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने से पहले बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा था कि उनके पिता किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। वह आगामी दो दिन में अपनी रणनीति के बारे में सभी को जानकारी देंगे। उन्होंने साफ कहा था कि उनके पिता ने किसी भी पार्टी में शामिल होने की सहमति नहीं दी है। हालांकि उनका ये दावा आज गलत साबित हो गया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में ग्रैंड एंट्री ले ली। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के चौथे ही दिन यानी मंगलवार को राज्य सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को भेजा था और मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा में शामिल होते ही मौर्य ने ऐलान करते हुए कहा कि मैंने जिसको छोड़ा उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया और उदाहरण के तौर पर मायावती को ही देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को भी खत्म करने का दावा किया और कहा कि अब वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सियासी शिखर पर पहुंचाएंगे और 2022 में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।